जय हिंद दोस्तों, आज आपको शेयर कराते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गांव की, जिसका नाम है रसूलपुर पकिया। ये बांगरमो रोड पे अकबरपुर से 3 किलोमीटर अंदर है। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और हम लोग इंटर कर चुके हैं। ये सही नदी पे पुल बना हुआ है, सही नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। अभी हम पुल पर हैं और ये है सही नदी, और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था कभी, शायद है या नहीं अभी देखता हूँ मैं और आपको भी दिखाता हूँ। बहुत ही पुराना मंदिर है वो। ये देखिए गांव बसा हुआ है सही नदी के किनारे, और ये देखिए वो प्राचीन है। और यहाँ पर एक विजय नाम के चाय पकौड़ी वाले बहुत मशहूर हैं, तो वो पुल उतरते ही उनका वो अपना ठेला लगाते हैं। इनकी बड़ी तारीफ सुनी है पकौड़ी और चाय की, तो हमने सोचा मिल करके इनसे बात की जाए। भैया कब से ठेला लगा रहे हो यहाँ? उनको उनको हुआ है जो है 8 साल, 8 साल से। अच्छा, पहले तो यहाँ पर जो रोड रोड था नहीं, ना पुल था इस गांव में। हाँ, क्या फायदा हुआ? बहुत विकास हुआ है, मतलब जो है बहुत साधन डायरेक्ट गांव आने, पहले कोई साधन 4 पहिया बड़ा नहीं आता था। अच्छा जी, अब जो पुल मिला के पुल बनने से जो है सब वाहन डायरेक्ट हो गया, आना जावा हाँ, सब कुछ हो गया है। हाँ भाई, तो ज्यादा विकास हो रहा है। हम ये देख रहे हैं ना कि ये नाम क्या है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार, ये रसूलपुर बकिया लगता है ना? जी हाँ, यही वजह बता के गए। अच्छा, तो यहाँ पर जो है अब हम देख रहे हैं, कुछ साल पहले मैं आया था यहाँ पे, तो यहाँ पर ये इतना विकास नहीं दिख रहा था जब पुल नहीं बना था। और पुल बने हुए भी जो है मुझे लगता है कि 10 साल तो हो गए होंगे। 10 साल हो गए। अच्छा, तो पुल बनने के बाद से मैं देख रहा हूँ काफी विकास हो गया है इस गांव में। काफी हो गया है ना? विकास तो वाकई में हुआ है। देखिए, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये मंसूरी फर्नीचर के नाम से बहुत बड़ा शोरूम भी खुल चुका है यहाँ पर। आप लोगों का रोजगार जो है यहीं पे हो गया, वरना पहले क्या करते थे आप? पहले दिल्ली मुंबई जाते थे कमाने। अच्छा। अब यहीं पर भी मतलब यही काम डाल के छोटा मोटा जो है। हाँ, मैं देख रहा हूँ पूरी मार्केट टाइप की हो गई थी यार। अब ये गांव तो रहा नहीं बिल्कुल, तो खाली ये चाय और पकौड़ी आपका काम, और भी कुछ? मोमोज अभी बनाएंगे 12 बजे से। 12 बजे के बाद मोमोज चले, 7-8 बजे खत्म मोमोज चलेगा। अच्छा, तो यहाँ खाली आप अकेले ठेला लगाते हो क्या? चाट लगेगी, चौमिन लगेगी, बर्गर लगेगा, सब कुछ लगेगा। अभी मेला भी यहाँ प्रसिद्ध है। मेला हाँ, कब लगता है वो मेला? दिसंबर में लगता है। दिसंबर में मेला लगता है, क्योंकि यहाँ का मैंने सुना नदी पर का मेला की वजह से ये गांव काफी मशहूर है। हाँ, क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है, मेला की वजह से बहुत जो है मशहूर है। क्या खासियत है मेले की भाई? मेला साहब कहते हैं बहुत पुराना है ये। अच्छा, कोई मंदिर नहीं, कोई स्थान नहीं है। हाँ, बस सही नदी के किनारे से मशहूर है। हाँ, कोई नाम नहीं है। कितने साल से मेला लग रहा है? अच्छा, बता सकते हैं आप? मेला तो साहब कहते हैं बड़ा पुराना है जो है, अब तो बुजुर्ग लोग ही बता सकते हैं। आज का तो मेला है ना ये बहुत। अच्छा, चलिए विजय भैया धन्यवाद आपका। तो भाई साहब, आप इनके यहाँ पकौड़ी खाने आए हैं, चाय पीने आए हैं जी, क्या आप यहाँ पर यहीं पर रहते हैं? नहीं, आज के तो नहीं है जी, लखनऊ से हैं। अच्छा, यहाँ कैसे आए थे? रिश्तेदारी में आए थे, शादी थी। अच्छा अच्छा, तो गांव में पता चला कि आप पकौड़ी चाय अच्छी बनती है, तो मैं चलो देख लेता हूँ। अच्छा, तो बस तैयार हो रही है पकौड़ी चाय, तैयार हो रही है। तो क्या है, नाम नहीं पता है फिलहाल, गांव में काफी फेमस है पकौड़ी और चाट की वजह से। नहीं, यहाँ दुकानें और बहुत सारी हैं। हाँ, दुकानें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बताया गया कि भैया अच्छी चाय बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, तो हमने चलो। अच्छा, यह बहुत अच्छी पकौड़ी और बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, इनको देख लीजिए।
आप भाई साहब कहाँ से? हम भी संडीला से हैं। अच्छा, आप भी शादी में ही यहाँ? हम भी शादी में आए हैं, तो इधर आए थे तो थोड़ा ब्रेकफास्ट सोचा कर ले, तो इनका नाम हम सुना था। अच्छा। मतलब साफ से बनाते हैं जो लोग भागते चले आते हैं। अच्छा जी, हाथों में पता नहीं कौन सी कला है, आप बोल सकते हैं। अच्छा जी, चारण है, गॉड गिफ्टेड है ये। वाकई में इधर देख रहा हूँ मैं, काफी भीड़ है, सुबह सुबह कस्टमर आने लगे हैं। ये सोच लीजिए आप, जो है कस्टमर की भीड़ से समझ सकते हैं कि इनकी क्वालिटी क्या होगी, समझ रहे हैं। विजय भाई एक बार अपना चेहरा दिखा दें जरा, ये देखो। विजय नाम ही विजय है सर, उनका विजय नाम है, तो काफी फेमस है। विजय विजय होगी विजय। मैं सभी यूजर से जो है हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ये देख रहा हो, चाय भी आ चुकी है, हम चाय पकौड़ी जरूर खाने आए। यानी कि ये रसूलपुर बकिया के विजय पकौड़ी वाले जो हैं, और ये एक दिन विजय जरूर होंगे भैया। ला आधा घंटा हो गया, चाय नहीं मिल रही है, तो अपने चाय का एक नाम रख दीजिए। ये देखिए काफी काफी मात्रा में लोग यहाँ पर हैं। का नाम है मनसा टी स्टॉल। मनसा टी स्टॉल, मनसा इनकी बेटी का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। आपका मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब साहब, ये बताएं कि ये कुआं जो है कितने साल पुराना है? लगभग 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना है जी। तो इस कुएं के बारे में हमने सुना कि बड़ा ऐतिहासिक कुआं है भाई इसमें, लेकिन पानी वगैरह है नहीं, कोई यूज नहीं करता है, किसी से पानी नहीं। जानना चाह रहा था कि इस गांव की विशेषता क्या है। मैंने ये सुना था कि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम में एकता जो है बहुत ही मेन है ना जी, बहुत ही मिला जुला रहता है। और हमारे यहाँ आजकल के माहौल के हिसाब से हिंदू मुस्लिम में का जो गांव का माहौल है वो कैसा है? बहुत ही अच्छा माहौल रहता है हमारे यहाँ का, सभी अच्छा। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी कोई समस्या नहीं। बहुत जगह देखा कि आपस में बनती नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, दोनों लोग भाईचारे से रहते हैं। अच्छा अच्छा, तैयब साहब इस कुएं के बारे में बताइए कुछ की, लेकिन आप तो 200 साल पुराना बता रहे हैं। जी बिल्कुल, तो यानी कि आपके दादा वालिद को भी नहीं पता होगा, और दादा दादा भी पैदा हो चुके होंगे, उसके पहले का बना हुआ, उसके पहले का बना हुआ। जी जी बिल्कुल, तभी 200 साल के लगभग हुए होंगे। तो कुछ इतिहास इसके बारे में मालूम है आपको कि किसने निर्माण कराया? नहीं, क्या ये तो नहीं पता मुझे किसने निर्माण कराया। अच्छा, तैयब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों अब निकलते हैं दावत के लिए, और ये दावत के लिए जा रहे हैं हम लोग रसूलपुर बकिया से करीब 8 किलोमीटर पर एक गांव है तलवा, वहां पर जाना है। तो आइए चलते हैं, देखिए कितना गांव देहात में जो लोकेशन होती है कमाल की लोकेशन, देखिए कितनी खूबसूरती है। और ये रास्ते में नाश्ते पानी का इंतजाम है, तो लोग नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ता पानी करने के बाद अब निकलना है यहाँ से, निकल के सीधे निकल चुके हैं हम लोग, और पहुँचने ही वाले हैं, करीब ही है गांव इनका भी जो तलवा बोलते हैं जिसको। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ फुल इंतजाम है। एक्चुअली इनके यहाँ 2 शादियाँ थी, लड़की और लड़के की, और गांव में दावत का मजा ही अलग है। ये देखिए ये रसूलपुर के इमाम साहब हैं, मस्जिद के रसूलपुर बकिया में जो मस्जिद है उसके इमाम साहब हैं ये। चलिए खैर अब वापसी करते हैं, निकलते हैं अपने वापसी घर के लिए। और दोस्तों
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स करें वीडियो कैसी बनी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।